नमस्कार, मेरा नाम है शैलसा तलेजा और आप सुन रहे हैं रेडियो बूज, इसमें नशा है। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं योगी जी। आपने कई बार उनको सुना होगा, लेकिन आज हम कुछ ऐसे गहरे विषय जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जो स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है, और आई एम श्योर आज के इस प्रोग्राम में आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार योगी जी, आपका पुराना जो हमने एक इंटरव्यू देखा उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान से रिलेटेड हैं, और उसमें इतनी गहराई से कुछ चीजें आपने शेयर करी, पर वो जितनी गहराई से थी उतनी ही साधारण तरीके से भी हम कनेक्ट कर पाते थे अपनी जिंदगी के साथ। उस इंटरव्यू के बाद मेरे अंदर कुछ ऐसे सवाल उठे और मुझे आज मौका मिला आपसे ये पूछने का, तो हमारे लिसनर्स के मन में भी शायद ऐसे कुछ सवाल हो सकते हैं जैसा कि मैं सोचती हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब किसी इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है तो उस समय समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, कुछ अनयूजुअल है ऐसा जरूर लगता है, लेकिन उसके आंसर्स हमको ना तो हमारे अंदर मिल रहे होते हैं और बाहर भी अगर हम उन आंसर्स को खोजने की कोशिश करते हैं तो या तो सही दिशा नहीं मिलती, सही ज्ञान नहीं मिलता, या कोई सही इंसान नहीं मिलता जिससे हम अपने प्रश्न जो है वो पूछ सके। तो मैं थोड़ा सा आपसे चाहूंगी कि जब बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी का स्टार्टिंग फेज किसी की लाइफ में होता है उसके लिए आप हमें क्या गाइडेंस दें। एक मैं कबीर के एक दोहे से स्टार्ट करूंगा। कबीर ने लिखा है कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पे। तो रियली में जब प्यास लगती है तो वो चीज़ मिलेगी डेफिनेटली, पर खोज सच्ची होनी चाहिए। और वैसे भी ये बात एक साइंटिफिक भी प्रूफ है कि एक मनुष्य ऐसा प्राणी है पृथ्वी पर जो कि आम प्राणियों से हटके है, वो एनलाइटमेंट का भी उसको उदाहरण दिया गया है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी जो हंस सकता है, जो रो सकता है। पशु कभी हंस नहीं सकते, जानवर नहीं हंस सकते, लेकिन मनुष्य में वो प्रतिभा है। और मैम सचमुच में आप महसूस करोगे तो एक मनुष्य की जो फीलिंग है, एक मनुष्य की जो सोच है, हमेशा वो बहुत आनंद की स्थिति में रहने की उसकी च्वाइस रहती है, और यही च्वाइस उसको अलग करती है। इसीलिए वो इसने इतना बहुत कुछ किया संसार में, अच्छे अच्छे घर बना लेता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खड़ी कर लेता है, और उसको पता भी है कि कुछ है समथिंग जो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर उसको जैसे कि आपने बताया कि अध्यात्म के बारे में अगर हमें पता चल जाता है तो हम कैसे उसको रिलेट करें। मजे की बात क्या है कि कोई भी काम जब हमें दिया जाता है तो हमारी फर्स्ट फीलिंग यही होती है कि क्या इसमें मजा आने वाला है या इसमें कोई प्रॉफिट है हमें। हम चीज़ों को पहले एनालाइज करके ही उस काम में लगते हैं। तो सचमुच में अध्यात्म की जो यात्रा है वो सचमुच में बहुत मज़ेदार है। जब आप इसको शुरू करोगे थोड़ा सा लग सकता है आपको कि ये सब क्या है और ये सब तुम्हें सब पहले भी होता था, इसमें नया क्या है। बट प्यास का आपने सुना होगा, प्यास किसे बोलते हैं, प्यास एक अंदर की जो मतलब एक फीलिंग रहती है, भी कुछ भी कर लेते हैं हम फिर भी एक अंदर खालीपन रहता है। तो उसी खालीपन को भरने के लिए मनुष्य बहुत कुछ करता रहता है। तो जब पहली बार वो डिवाइन इसमें अध्यात्म में एंट्री करेगा तो उसकी प्यास उसको बताएगी कि मतलब हाँ डेफिनेटली। अभी क्या होता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं किसी ने बताया कि प्रॉफिटेबल है या मतलब इससे कुछ होने वाला है लाइफ में, तो हम उस काम को करना तो स्टार्ट करते हैं बट अंदर से कहीं लगता है कि यार ठीक है, एंटरटेनमेंट हो रहा है बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। और ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई कि जब हम अध्यात्म में एंट्री करते हैं भले ही कुछ बाहर प्रॉफिटेबल हो ना हो बट एक रियल सेटिस्फेक्शन का एहसास उनको होने लगता है। और ये ही सच्चाई है, क्योंकि ये जब हमारे अंदर से आता है ना कि मुझे कुछ ऐसा करके ना अलग सी शांति मिलती है, और वो शांति किसी को समझा पाना बाहर बहुत मुश्किल है।
तो आपकी बात से मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ कि जैसे आपने बोला कि कोई काम हम अपनी एक सोल की आवाज पे कर रहे होते हैं, जिससे हमारे को ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना उसमें से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जो अंदर मिल रहा है ना उसका कोई एक्चुअली में कोई ऐसा कोई और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसको भर जाए, वो सेटिस्फेक्शन कहीं और नहीं मिल सकता। तो ये बहुत अच्छा आपका एक गाइडेंस लगा मुझे कि जब हम एक अपनी जिंदगी शुरू करें, स्पिरिचुअल जर्नी जब महसूस होने लगे उस जर्नी पे उस आवाज को सुने जो हमें ये समझाती है कि वो खुशी वो सुकून क्या करने से मुझे मिला, वो डायरेक्शन का थोड़ा थोड़ा पाथ नेविगेट करने के लिए हमको हेल्प करती है। और एक मजे की बात मैं बता दूं, हर व्यक्ति सुकून चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे अपने बारे में पता चले, और उसी के लिए अभी जैसे गुरु का इतना महत्व अपनी इंडियन उसमें सभ्यता में बहुत ज्यादा, मतलब गुरु को मान दिया गया है, गुरु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, यानी कि जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले आए, और उसके बाद फिर इतने सारे गुरु भी आ गए हैं दुनिया में, बहुत सारे गुरु आ गए हैं, जरूरी नहीं कि गुरु एक ही हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है। तो ये जो बात है पहली बार गुरु के द्वारा बताई जाती है कि आप ध्यान करिए, और मनुष्य में वो समता है, एकमात्र मनुष्य एक प्राणी है जिसमें समता है कि ध्यान कर सकते, मेडिटेशन जिसको बोला जाता है। तो ध्यान के द्वारा हम उन सब चीजों को पा सकते हैं, और ध्यान में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। इसी बात से मुझे एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि आज के टाइम पे ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आप देखते हैं तो वेलनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ वो एम्प्लॉयज के लिए मेडिटेशन के सेशंस बनाते हैं, स्कूल्स में भी आजकल, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा हो गया लाइफ में, उसके बाद जो कोविड 19 की सिचुएशन आई जिसमें लोगों को घर के अंदर रहना पड़ा, और बड़े सारे अलग अलग घरों के अलग अलग सेटअप होते हैं, बच्चे भी जो है वो बेचारे ऑनलाइन पढ़ाई कर करके उनके भी दिमाग पे कुछ अलग ही असर है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं और उनको जोड़ के एक थोड़ा सा समझने की गहराई से कोशिश करते हैं, तो यूथ को मेडिटेशन करना जब वो कराया जाता है अलग अलग स्टेज पे अलग अलग पहनों से, तो क्वेश्चन एक कहीं ना कहीं आता है कि वो फोकस कैसे करें। देखो युवा एक बहुत ही शानदार एनर्जी, उसके पास ना हर चीज भरपूर मात्रा में होती है, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, और वो आनंद को जितना अच्छे से युवा अवस्था में हम समझ पाते हैं ना, मेरे ख्याल से मैं तो इसको एक डिवाइन स्टेज बोलता हूँ। और इसके ऊपर मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, हाईलाइट ए गोल्डन लाइफ, जो युवाओं के ऊपर है। तो युवा एज तो मेरी सबसे फेवरेट एज है, मैं तो कहता हूँ कि युवा को एंट्री करते ही मेडिटेशन से ही शुरुआत करनी चाहिए, ताकि वो अपनी एनर्जी को स्टोर करके, क्योंकि यहाँ पे ना इतना कुछ बवाल हो रहा होता है उसके लाइफ में, सब कुछ इतना फास्ट हो रहा होता है, अगर उस टाइम उसको डायरेक्शन नहीं मिलती है ना तो डेफिनेटली चांसेस हैं वो खो जाएगा, और वहीं से वो, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे एक शैतान प्रकृति के लोग भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं बहुत ही प्यारे डिवाइन, वो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो व्यक्ति उसी फेस से निकल के आया, लेकिन एक ऐसा है कि वो बिल्कुल दूसरों को मार देना चाहता है, एक इतना है कि वो सब धैर्य कुटुंबकम की उसके अंदर पावर आ जाती है कि उसको सबसे प्यार हो जाता है, वो सबसे बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने के लिए उतराता है। तो ये उसी फेस का परिणाम है, उस फेस में जो अपनी रियल पावर को समझ पाया और खुद से कनेक्ट कर पाया। तो ये बहुत जरूरी है कि युवा अवस्था में हमें मेडिटेशन करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा बच्चे से ही स्टार्ट करना, शुरू करना चाहिए। और ओशो को मैं सुनता हूँ अक्सर, ओशो तो मेरी लाइफ ही समझ लो। क्या होता है कि उन्होंने भी इस बारे में थोड़ा सा संकेत दिया है कि आप 11 साल 12 साल से स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे मान लो 11 साल का बच्चा है तो उसको 11 मिनट के लिए डेली मेडिटेशन की सलाह दीजिए। और ये एक्सपीरियंस मैं रियली में कर चुका हूँ, आई मैं एक टीचर भी रहा हूँ, हिंदी टीचर, तो वहाँ भी बच्चों को मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने मुझे एक टीचर डे होता है, मुझे अपना सबसे फेवरेट टीचर भी चुना था, और ये उसी का परिणाम था। कुछ एक प्रिंसिपल की लड़की थी, वो बोल नहीं सकती थी ठीक से, उसको मेंटली डिस्टर्ब थी मीन्स, तो प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि सर आप इससे कोई क्वेश्चन वगैरह मत करना क्योंकि ये अब नॉर्मल है। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उस लड़की को ना दो वर्ड दिए संस्कृत के याद करने के लिए, और
उसको एक प्रेयर कराता था मैं, हे सरस्वती माँ हम आपके बच्चे हमें विद्या का दान दो। तो वो रियली में एक्साइटमेंट भी आया उस लड़की के अंदर, वो कहने लग गई। और मेरे ख्याल से 15-20 दिन के बाद ना, और जो भी वर्ड उसको देने लग गया वो डेफिनेटली अगले दिन याद करके लाती थी। शायद उसके लाइफ का गोल ही हो गया था कि जो सर मुझे दे रहे कल मुझे बताना है। 15-20 दिन के बाद मैंने प्रिंसिपल को अपनी क्लास में बुलाया और ये बड़े अचंभे की बात थी मेरे ख्याल से। आसान नाम तो शुरू किया, मैंने प्रिंसिपल को बोला सर प्लीज़ उनको क्वेश्चन कीजिए। तो वो बोला कि इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने जवाब दिए। और रियली में बहुत उसकी मेंटली स्थिति भी मुझे ठीक लग रही थी। हाँ मतलब मैं ये दावा नहीं कर सकता, आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट आदमी जब प्रॉब्लम में आता है तो वो खुद ही उसका अपना डॉक्टर हो सकता है अगर वो उस चीज़। और दूसरा उसको थोड़ी सी हेल्प की जाए। ऐसे ही कई सारे बच्चों पर मैंने एक्सपेरिमेंट किए करके देखे, क्योंकि मैंने जो पढ़ा मैंने सोचा कि इसको एक बार ट्राई करके देखा जाए। तो उसको जब ट्राई किया तो डेफिनेटली रिजल्ट उसके आए हैं। और उसके बाद तो मैंने इस पर बहुत काम किया है, खासकर युवाओं से मैं बहुत कनेक्ट रहता हूँ। और कल परसों भी एक रात को मेरे को एक मैसेज आया किसी लड़की का, वो अंकल बोलती है मुझे, कह रही थी कि अंकल मैं जो क्वेश्चन करती हूँ मुझे लगता है कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहिए, पर ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन कैसे हो जाता है। अच्छा। हाँ मतलब पर्सन मैं बोलती भी नहीं, उससे पहले मुझे उत्तर मिल जाते हैं क्या रियली में आप मुझे सुन पाते हो। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही सुंदर कला है जो कि कनेक्ट है, जो कि फ्राइड ने भी अपनी बुक्स में लिखा है कि एक व्यक्ति कहीं से भी दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट हो सकता है। अपना मोबाइल और ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये सारा उसी पर आधारित है। इसको थोड़ा सा ध्यान अवस्था में लेके जाएंगे, पहले भी ऐसा था मेरे ऋषि गुण एक दूसरे से बात कर लेते थे, तो इतना नॉर्मल विषय नहीं है मैम, ये बहुत ही गहरा विषय है, इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ आदमी आर्टिफिशियल तरीके से जी तो लेगा बगैर ध्यान के, बट हर बार हर वक्त उसको एक तिक्तता सी एक रिक्तता सी महसूस होती रहेगी। उसको लगेगा कि कुछ करने जैसा था जो छूट गया है, करने जैसा था जो छूट गया है। और मैं मतलब यंगस्टर के लिए स्पेशली बोलूँगा कि मेडिटेशन ना कुछ करने की अवस्था है। मतलब ध्यान इतना कठिन क्यों है? वैसे तो बहुत आसान है, आँखें तो बंद करके बैठना है, करना ही क्या है, फिर भी बोलते हैं नहीं मेरा ध्यान नहीं लगता। डेफिनेटली ध्यान लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान तो ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें तो उसके साथ होना है। हम अगर वहां पे कर्ता बनते ना, करने वाले बनते, तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये अकर्मण्यता की स्थिति है, ना कुछ करने की स्थिति है। तो आप सिर्फ ना कुछ अवस्था में बैठ जाइए, सिर्फ बैठ जाइए, सिर्फ हो जाइए, जिसको बीइंग बोलते हैं, होना बोलते हैं, यानी कि कुछ हो रहा है उसके साथ हमें जुड़ना है, न कि कुछ करना है। और ऐसा अक्सर इसीलिए होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ करना है, वहीं से स्टोरी तरह हो जाती है। आप जैसे कुछ होने के लिए बैठेंगे, फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई म्यूजिक चल रहा है, आपको सिर्फ सुनना है, लिसनिंग, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सुन पाएंगे। अगर आप उस म्यूजिक में कुछ छेड़खानी करेंगे ना, तो म्यूजिक सुन पाएंगे ना अपने माइंड को उससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो मेडिटेशन एक ना कुछ करने की अवस्था है। मैं थोड़ा सा इसको हिंट कर दूं, आप बिल्कुल रिलैक्स जिसको बोलते हैं ना, वहीं से शुरुआत होती है ध्यान की। और मैं थोड़ा सा पब्लिकली इसको एक गहराई में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ इतनी एकदम नहीं बता सकते हम। रीज़न ये है कि उसमें आदमी एकदम कनेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन थ्योरिकल बताई जा सकती है। तो सबसे पहले आपका शरीर बहुत रिलैक्स अवस्था में होना चाहिए, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, इतना ढीला। और अपने शरीर को बार बार इंस्ट्रक्शन दीजिए कि रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। और रियली मैं बताऊंगा मैम, हमारा सबसे अच्छा मित्र है शरीर। और शरीर को जब हम बोलते हैं ना कि ढीला, और वाक्य में शरीर ढीला होता है, हो जाता है बिल्कुल। और आप अगर 10 बार बोलोगे ना कि ढीला ढीला करके, और आप जब ये लगेगा कि मैं ढीला हो चुका है मेरा शरीर, फिर भी अगर आप होठों को भी बोलोगे कि ढीला, तो रियली में होठ भी एकदम ढीले हो जाएंगे, हो जाते हैं। और आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच का जो स्थान है, आप अंदर से इंद्रियां कसी रहती है, बेशक शरीर ढीला हो जाता है, लेकिन आप जितना ज्यादा ढीला करने पर इंट्रक्शन बॉडी को देंगे, उतना ज्यादा रिलैक्सेशन आप पहुंचेंगे। उसके बाद सिर्फ आप फील करने की कोशिश कीजिए,
क्योंकि परमात्मा ने, आपने देखा होगा, हमारी बॉडी को इतना फीलिंग सिचुएशन में तैयार किया है, अगर कोई चीटी भी उंगली पे काटती है तो माइंड में पता चलता है कि किसी ने कुछ किया है। इतना फीलिंग, मतलब काय को इतनी जरूरत है हमें। मैं सोचता हूँ कई बार हम इतना चीजों को फील करते हैं, तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज है जो बहुत फील करने लायक है, तभी तो हमें ऐसा बनाया। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, तो मैं चाहता हूँ, मतलब मैं समझता हूँ उस चीज को, कि हमें उस चीज को फील करना होगा। और जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर उसको फील करते हो, डेफिनेटली आपको पहली बार एक ऐसा टेस्ट आता है जिसका आपने कभी एहसास नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उस टाइम पहली बार आपको एक ऐसी चीज मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी और आप भूल गए थे कि ये क्या मैं ढूंढ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम देखते हैं कोई चीज हमारी खो जाती है, हम कमरे में ढूंढ रहे होते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता क्या है, कहाँ रखें, ये नहीं पता। हाँ, मतलब चीज के बारे में भी नहीं पता, किसी चीज। कई बार ऐसी स्थिति अगर आई हो कि हमें उस चीज के बारे में नहीं पता है, बट हमें कुछ चाहिए, और जब वो मिलती है तो वो, माय गॉड, ये तो मेरी है, और ये मुझे, मेरे को तो ये भी नहीं पता था खोई हुई है। कुछ इस तरीके का ही मिलन वहाँ पे होता है जब आप पहली बार उस रिलैक्स के बाद पहली बार फील करते हो खुद को, खुद की ब्लड सर्कुलेशन को भी आप महसूस करते हो। आप पहली बार जब ब्रीदिंग, अपनी खुद की श्वास को सुनते हो, उसका आना जाना सुनते हो, इसका सन्नाटा और इसकी आवाज इतनी जबरदस्त है, कभी आपने शायद किसी समुद्र किनारे बैठ के लहरों को सुना हो, ऐसे ही आपको ये श्वास की लहरें सुनाई देगी। उसके बाद ना आप डेली डेली जब आप थोड़ा सा और ज्यादा गहरे में जाओगे, तो आपको वो सारी आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी जो आपको बाहर प्रकृति से मिलती हैं। बिल्कुल, मैं इससे बहुत बहुत क्लोजली रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी पे उस चीजों को फेस में जब मैं गुजरी, तो मैंने नोटिस किया कि ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे आसपास है जिनको मैंने अपनी रेगुलर लाइफ में कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी महसूस नहीं किया, या फिर हम भागते रहते थे। बिल्कुल, तो उन भागने के चक्कर में वो जो शोर है ना, जो हमारे प्रैक्टिकल शोर है हमारे आसपास, वो सब सुनाई देते थे। डेफिनेटली। लेकिन अगर किसी पेड़ के पत्ते जो हिलते हैं हवा के साथ, पत्तों के हिलने की एक आवाज होती है, बड़ी हल्की, बड़ी धीमी, वो तभी समझ आएगी जब आप उसको सुनोगे। या फिर कोई एक छोटी चिड़िया भी अगर ऊपर बैठी हो, या वो हवा जब पास से गुजर के जाती है, तो वो कैसे महसूस कराती है, इसको हम एक ऐसा भी फील कर पाते हैं। मान लो आपने मुझे कहीं पे टीवी पे देखा हो, और तब मैं आपके सामने आता हूँ लाइव, तो आपके एहसास बिल्कुल बदले नहीं होते मेरे प्रति। ठीक ऐसे ही मैम, और जब हम अपने अंदर उस कलकल ध्वनियों को सुनते हैं, उन पक्षियों को सुनते हैं जो कि वहाँ है ही नहीं, उन मतलब आवाजों को सुनते हैं डिफरेंट, और फिर प्रकृति में वो सब सुनते हैं, तो एक अलग ही कनेक्ट आता है। रियली मेरा खुद का एहसास है, कई बार मैं, मेरे को ना मुरली सुनने का बहुत शौक, बहुत अच्छी लगती है मुझे मुरली सुनना, लेकिन जब मैं मेडिटेशन करने लगा, ध्यान करने लगा, एक बार ना मैं आंखें बंद करके इतने गहरे में आलाप सुन रहा था, जैसे कोई संगीतकार आलाप करता है, सिंगर आलाप करता है, और एक मुरली बज रही, जैसे बहुत दूर कहीं पहाड़ियों में कोई मुरली बज रही, वो इतनी डिवाइन, इतनी मतलब रुला देने वाली सी आवाज थी। सचमुच में मैंने जब अपने अंदर सुना तो मैं चौंक गया कि यार ये क्या, और फिर मैंने थोड़ा सा और गौर किया, तो डेफिनेटली मेरी वो दशा बदली, और मुझे एहसास होता है जब ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे अंदर है, तो अपने से प्यार होने लगता है कि मैं क्या, मैं सचमुच में ऐसा हूँ। मेरे को तो लोग ये बोलते हैं, तो किसी काम का नहीं, तो ये नहीं, तो वो नहीं, लेकिन पहली बार जब मैंने खुद को सुना कि वो इतना सुकून देने वाला था, वो इतना आनंददायक था, कि पहली बार मैं खुद से प्यार भी कर पाया। तो मैं मेडिटेशन की मैं बारे में यही कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़, इसको हम थोड़ा सा यांत्रिक रूप से लेंगे, क्योंकि मेडिटेशन में एक इनविजिबल चीज़ है, और कई बार क्या होता है, हमने भगवान को भी तब तक नहीं माना था जब तक हमने उसको किसी यंत्र में स्थापित नहीं किया, हमने उसकी तस्वीर बनाई और उसको फोकस किया, तब उस निराकार को समझा, यानी कि हम आकार से साकार की ओर जाते हैं, आकार से निराकार की ओर जाते हैं, तब निराकार को समझ पाते हैं, हमें उसका भी एक आकार बनाना पड़ता है। जैसे ध्यान में जब हम, कई बार युवा का क्वेश्चन रहता है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं आपको क्या देखें, क्या देखें, ध्यान कहाँ लग, किस पे केंद्रित है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ करता हूँ, आप आंख बंद करिए और आपको क्या दिखाई दे रहा है,
क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं। तो ये कुछ नहीं है, ये भी तो दिखाई दे रहा है। हाँ। कुछ तो है, जो कुछ नहीं है आपके लिए वो दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि हो सकता अंधेरा, तो अंधेरे को ही देखिए। और जब इस अंधेरे को आप ध्यान से देखेंगे, जब इस अंधेरे को आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेफिनेटली एक गोल्डन सा कलर, मतलब ये लाइट, हाँ लाइटनिंग से परिवर्तन आएगा इसके अंदर, और ये और ज्यादा गहरा होके एक अलग ही कलर, जो आज तक आपने इस पूरी सृष्टि में उस कलर को नहीं देखा, ऐसा कलर आपको दिखाई देगा। कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग में रिलेट नहीं कर पाते, इसका एक कुल कारण इतना है क्योंकि बाहर के कलर और अंदर के कलर बिल्कुल अलग है। ये रिफ्लेक्ट है उस रियल कलर के, वो रियल कलर हमारे अंदर है और ये बाहर जो कलर देखते हैं रिफ्लेक्शन है। तो हमें थोड़ा सा कई बार लगता है कि यार ये मतलब हो सकता है अंदर के जो ये डुप्लीकेट हो सकता है। कई बार हमने हमेशा ही डुप्लीकेट चीजों को यूज किया, जब ओरिजिनल एकदम आता है तो हम हो सकता है ओरिजिनल को डुप्लीकेट डाउट करते हैं, इसकी ओरिजिनलिटी पे डाउट करते हैं। डेफिनेटली। तो ऐसे ही जब आप इस कुछ ना को भी बार बार देखते रहेंगे तो यही सब कुछ हो जाएगा। इससे आपका जो अंदर परिवर्तन होगा, आपका माइंड चेंज होगा, आपका ब्रेन बिल्कुल आनंददायक स्थिति में स्टेब्लिश होने लगेगा। और कोई एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी 30 साल है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 30 साल ना भूलने के लिए प्रैक्टिस करी गई है। हाँ। और आप चाहते हैं 1 सेकंड में उस चीज को याद आ जाएगी आपको, जो आनंद बचपन में जब हम पैदा हुए इतने आनंदित थे बच्चे, अब बच्चे को कौन बताएगा, मतलब बच्चे को तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन इतना आनंदित, इतना ग्लो उसकी बॉडी में रहता था, तो कहाँ गया वो? तो क्योंकि जैसे ही बाहर की दुनिया में आया धीरे धीरे उसको भुला दिया गया, अब वो 30 ईयर्स हो चुका है, वो भूल चुका है सब आनंद, अब दोबारा से याद करने के लिए उसको ध्यान की जरूरत पड़ रही है, बट एकदम नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे अपने ध्यान को ऊपर रखते हैं। तो युवाओं को मेरे ख्याल से ध्यान रोज करना चाहिए और अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। अगर मैं 30 साल का हूँ तो मुझे 30 मिनट डेली मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ऐसा मेडिटेशन जो बगैर किसी लोभ के हो, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस बैठना है, चाहे कुछ दिखे चाहे कुछ सुने का, नथिंग वरी। मतलब मैं आपकी बात से ये समझ पा रही हूँ कि सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को भी, अगर हम अपना सांस को भी सुनते हैं, इतने बाहर के जितने भी साउंड्स हैं उन सबको थोड़ी देर शट डाउन करके सिर्फ उसको सुनो जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, वही एक राइट मेडिटेशन। थोड़ी सी क्लैरिटी और मेरे सामने आई। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतनी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, मैंने अपने को आनंददायक स्थिति में लाने के लिए जो पुस्तकें जरूरत थी वो मैंने पढ़ी हैं, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब भी मैं रात को, इसको विपस्सना मेडिटेशन बोलते हैं, ये पहले भी मैंने अपने इंटरव्यू में डिस्कस किया है, और मैं तो चाहता हूँ युवा विपस्सना ज़्यादा करें, क्योंकि विपस्सना से वो होने की स्थिति में हो सकते जल्दी। तो उस टाइम मैं विपस्सना जब भी करता था तो सबसे पहले तो मुझे अपने कूलर की आवाज आती थी या फैन की आवाज आती थी। अच्छा। तो जब फैन की मैं आवाज सुन रहा हूँ, पहले भी आती थी, पहली बार इतनी म्यूजिकल आवाज मेरे फैन की, वो मैंने महसूस की जब मैं मेडिटेशन में, तो उसके उसको सुनते सुनते कई बार हो सकता है आसमान से जहाज गुजर जाए, वो दोनों आवाजें मैच करके कुछ नया ही कुछ खड़ा कर दे। इसलिए कुछ समय थोड़ी सी जिद्दोजहद आपको बाहर की आवाजें मिलके एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगी, उसके बाद ये सब आवाजें बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, एक नया म्यूजिकल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसको कबीर ने अनहद नाद बोला है। अनहद, हाँ जी। मतलब उन्होंने व्याख्या करी कि मतलब ये ऐसा नाद है जिसकी कोई हद नहीं, वो इतना अमेजिंग है, वो इतना आनंददायक है, और शायद आपने जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा। और मेरे को तो स्टार्टिंग में जब मैंने आनंद का एहसास किया तो मुझे तब महसूस हुआ था कि म्यूजिक से मैं इतना लगाव क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम संगीत में होना चाहते हैं, बट अभी हमें नए नए गाने चाहिए, एक हो सकता है गाना हमें पसंद आ जाए, अभी उसको बार बार कितना कब तक सुनेंगे, थोड़ी देर में अंदर से बदल जाते हैं। ऐसे ही अंदर एक ऐसा नाद है, ऐसा म्यूजिक है जो जिसकी कोई हद नहीं, वो कंटिन्यू चल रहा है, तो जब हम उससे जुड़ते हैं तो सचमुच में हम फुलफिल्डनेस का एहसास करते हैं, और ध्यान हमें फुलफिल्डनेस की ओर ही लेके जाता है, जो कि ऑलरेडी हम हैं, हमें कुछ करना नहीं है बाहर से, हमें सिर्फ स्वयं के साथ बैठना है, खुद के साथ बैठना है, क्योंकि सारी दुनिया में सबके लिए वक्त निकालने की हम कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल।
लेकिन अपने साथ वक्त निकालना, शायद मैं ऐसा मानती हूँ कि वो एक मेडिटेटिव स्टेट है जो बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने ऐसा महसूस किया अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी पे, कि सुबह उठ के एक कप चाय जो मैं अकेले पी रही होती, उसमें मेरा बर्ड्स की आवाज आ रही है, सुबह सनराइज दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, बहुत लोग उस समय उठे भी नहीं, जागे नहीं, ज्यादा कहीं शोर नहीं, लेकिन उस समय जब मैं अपने साथ बैठी, वो चाय या वो टाइम मैंने अपने लिए निकाला, और उस समय आपको कई चीजें अपने अंदर से ऐसी महसूस होती हैं जो आपका पूरा दिन, उस दिन में आप शायद अगर थोड़ा सा भी और देर से उठते तो भागम भाग में पता नहीं किस एनर्जी में होते, डेफिनेटली वो वक्त चुक जाते हैं जो भी प्रेजेंट में एहसास, लेकिन अब जो टाइम आपने निकाला वो इक्वल टू मेडिटेटिव स्टेट रहा, जिसमें आपने पूरे दिन की जो एक भूमिका बांधी वो बहुत पॉजिटिव नोट पे बांधी, बहुत संभले हुए एक तरीके से आपने अपने अंदर कुछ विचार किए और कुछ एक्चुअली में छोड़ दिए। उसको मंथन, अभी जैसे बचपन में सिखाते थे, हमारे टीचर भी सिखाते थे कि स्वयं का मंथन करो, डेफिनेटली वो हो सकता है हमारे विचारों के मंथन की बात करते थे, लेकिन मेडिटेशन भी एक ऐसी ही, क्योंकि प्रकृति में हम आए हैं और इतना कुछ है हमारे चारों तरफ, तो उसके साथ जब हम कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली एक मंथन होता है, उसका रिजल्ट आनंद होता है। बहुत कुछ ऐसा है जो हम रिलीज कर देते, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपना शेयर करती हूँ कि जब हम लोग ऑफिस जाते थे तो इतनी भागम भाग लगी हुई होती थी, खड़ी देख देख के अभी इतनी देर में ये कर लूँ, तो उस सब की जो जल्दबाजी थी, टाइम कम है, इतना डिस्टेंस कवर करना है, वो सब चीजों के साथ मेरे ख्याल से बहुत लोगों की जिंदगी में ये होता रहता है, तो क्या होता है कि एक शैलो ब्रीदिंग हमारे अंदर स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, उस शैलो ब्रीदिंग को हम समझ नहीं पा रहे होते, डेफिनेटली। अब क्या होता है कि उस शैलो ब्रीदिंग से कहीं एसिडिटी शुरू होगी या कुछ और प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में शुरू होते हैं, अगर हम उसे लंबे समय तक नजरअंदाज कर रहे हैं और उसी स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, गलत हमें नहीं लग रहा कि हम कर रहे हैं, बिल्कुल वो हो रहा है, हाँ, लेकिन वही चीज मान लीजिए मैं 6 बजे उठी और 6 बजे उठने के बाद मेरा रोज यह हाल है, तो मैं अगर थोड़ा सा पहले उठती हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा, और मैं ये सोचती हूँ कि ये आधा घंटा मेरे इस पूरे दिन का हिस्सा नहीं है, ये आधा घंटा सिर्फ मेरे लिए, और उस आधे घंटे को जिसको मैंने सिर्फ खुद को दिया, उसमें सारी की सारी मेरी दिनचर्या बदल गई, और एक दिनचर्या बदलने के बाद करते 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 कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी ही बदल गई, ये आधा घंटा ही पूरे दिन को डिजाइन करता है, और वो ब्रेथ जो सिर्फ यहीं तक आता था और यहीं से जाता था, वो अब पूरा अंदर तक हमें महसूस होता है कि एक सांस पूरी आई और पूरी गई, जिसने वो डिसीजन जो हड़बड़ाहट के थे, जो बहुत जल्दबाजी के थे, उन डिसीजंस को थोड़ा सा पॉज दे दिया। आपने कभी मेडिटेशन किया है? मैंने किया, और उसका रिजल्ट मेरी लाइफ में मिला, लेकिन आपकी बात से मैं डेफिनेटली सहमत हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मुझे एंग्जायटी, जैसे कहा ना एंग्जायटी रहती थी, तो मेरी एक सीनियर थी, उन्होंने बोला शायद तुम मेडिटेट किया करो, तो मुझे लगा हाँ भाई बड़ा फैशन है आजकल मेडिटेट किया करो, तो मेडिटेशन मैंने अपने तरीके से कुछ मंत्रा वंत्रा सीरीज वीडियोज कुछ लिए, आज से कुछ साल पहले तो सीरीज का ज्यादा था, तो वो अब मैं गाड़ी में आते जाते या वो भी सुना करती थी, प्लस जब कभी खाली टाइम मिले कुछ करे हेडफोन लगाया और अपना सीरीज में मैंने मेडिटेशन किया, लेकिन मेरी मेडिटेशन की परिभाषा धीरे धीरे बदलती चली गई, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं इसको अभी रखो साइड में, मुझे शायद खुद से कनेक्ट अंदर से महसूस होता है, पर जैसा मैंने आपको कहा कि जब जर्नी पे आते हैं ना तो गाइडेंस नहीं मिल रही होती और समझ नहीं आ रहा होता, बिल्कुल, फिर एक अलग सी शांति ऐसे लगता था, अंदर से आपको वो शांति ना बुलाती है। अब आप क्या करोगे, आपको सब लोग बैठे घर के अंदर, लेकिन आपको मन करेगा थोड़ी देर के लिए ना मैं अपने आप में चली जाऊं, और मैंने सच में कुछ ये सुननी चाहिए हमें खुद की, ये अंदर से लगता है, वो हिंट करता रहता है, रियली बता। और जब मैंने ऐसा किया तो मेरे ही घर में सबको लगने लगा कि कुछ यू नो कुछ है जो ठीक नहीं है शायद, तो मैंने उन आवाजों को भी थोड़ा सा साइड में रखा, मुझे लगा कि ये जरूरी है, क्योंकि जो ये कह रहे हैं मुझे अभी मुझे इतना नहीं सुना,
और मैंने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया। और धीरे धीरे करते करते मुझे गाइडेंसेस अलग तरीके से आने लगी, क्योंकि जब हमने उस आवाज को सुनना शुरू किया तो वो गाइडेंस हमें या तो किसी व्यक्ति से मिलेगी या हम कुछ ऐसा सुनने में आ जाएगा हमारे, जो हमारे उस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमारे अंदर चल रहा है। उस तरीके से हम उस प्रकृति के साथ या उस डिवाइन कनेक्ट को महसूस करने लग जाते हैं जब हम वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं अपने लिए। और वो पॉज जरूरी नहीं कि सुबह करो, मैंने ऐसा महसूस किया कि दिन के किसी भी पहर में कभी भी आप उस मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हो अगर आपके अंदर से वो भाव आते हैं। बिल्कुल, ये जरूरी है। और कई बार अभी पिछले भी एक इंटरव्यू में उस बारे में बात हुई थी कि एक 9 मिनट का सेक्शन होता है सोते समय, और ये साइंटिफिक साइंस ने भी इसी दिखाया कि कोई भी व्यक्ति जब सो रहा होता तो कहाँ गया। हाँ जी, अब वो गया तो एक प्रेजेंस जो नापती है मशीन वो लगा दी उसके हेड में, और वो बता रही है कि अभी ये इस तरह के सपने ले रहा है, अभी इस तरीके के भाव है इसके अंदर, अभी इस तरीके के भाव है। मतलब उसके पूरे सोने के दौरान उसके हर एक भाव का साइंस को पता चल रहा है डेफिनेटली। लेकिन बीच के बाद 7 से लेकर 9 मिनट ऐसा दौर था कि मशीन उसको रीड नहीं कर पाई कि कहाँ गया। और ये चीज ना हर एक व्यक्ति के साथ नहीं, तकरीबन जिन भी लोगों के साथ ये प्रयोग किए गए, नींद में 7 से 9 मिनट के अंदर व्यक्ति कहीं ऐसी स्थान पर होता है जिसको मशीन भी रीड नहीं कर पाती, यानी कि वो अनकॉन्शियस माइंड में होता है। कोई भी व्यक्ति जब उस 9 मिनट में साइंटिस्ट पता लगा रहे थे कि व्यक्ति गया कहाँ, तो वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में था। और जो दिन भर हम काम करते हैं इतना अच्छा सोच पाते हैं, और उन लोगों की तलाश जारी की गई जो कि बहुत ज़्यादा जीनियस लोग हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जिन्होंने आविष्कार किए हैं, तो उनकी समय सीमा थोड़ी सी ज़्यादा भी थी, 10 मिनट तक भी वो कहीं गायब हो जाते थे। और ये 9 और 10 मिनट का ही कमाल था कि वो अपनी एनर्जी को इतना एक्सप्लोर कर पाते थे कि नई नई रचनाएं, नए नए प्रयोग, इतना बेहतर सोच पाना, ये सब। तो ये सन्यासी जो अपने गुरु हैं, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इस बारे में बताया कि ध्यान एक ऐसी अवस्था है वो जो 9 मिनट अमन की स्थिति में होता है, जहाँ पे मन नहीं होता, आदमी मन के साथ रहता हमेशा, कोई ना कोई विचार चलता रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन एक अमन की स्थिति होती है जहाँ पे आदमी के मन में कोई विचार नहीं होता है, वो बिल्कुल एक ऐसी अवस्था में होता है, बिल्कुल शून्य अवस्था, बुद्ध ने उसको शून्य बोला। हाँ, मैं तो ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति आता है, ध्यान जब घटित होता है, तो ऐसी अवस्था में वो 10 घंटे चाहे 10 घंटे या जब भी जितना भी समय चाहे उस अमन की स्थिति में रह सकता है। ऐसा व्यक्ति का क्या होगा, बुद्ध ने क्या कहा कि मेरा सर ऐसा विस्फोट हो गया है और एक एक सर में से ऐसी पंखुड़ियां निकल रही हैं, और एक एक पंखुड़ी से 1000 पंखुड़ियां और निकल रही हैं, और एक एक पंखुड़ी में इतना नॉलेज और इतना आनंद और इतना फील कर पा रहा हूं, सहस्र दल कमल ऐसा कुछ कमल खिल गया जिसकी हजारों सैकड़ों पंखुड़ियां हैं, और हर एक पंखुड़ी में महानंद की एक वो स्थिति है। मतलब बुद्ध ने इसको समझाने की कोशिश की कि क्या हो रहा है उसके साथ, ध्यान घटने के बाद क्या उसके साथ हुआ, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति आपके अंदर अपार समझ का एहसास आपको उतना समझ है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे हर चीज का समझ आ रहा है, मुझे प्रकृति की रचना समझ में आ रही है, मुझे मटर टमाटर और ये सब वेजिटेबल हर चीज ए टू जेड जो आप देख पा रहे हो आप उसको समझना शुरू करते हो, ये बहुत सुंदर एहसास। और ये जब आप निर्मल स्थिति के अंदर, यानी जब अपने से आपका जुड़ाव होता है, तब ये सब स्टार्ट होता है। मतलब ध्यान को हम शुरुआत तो करते हैं, लगता तो है मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन विधि है, लेकिन सचमुच में इतना ही नहीं है। वो कई बार कबीर जी बताते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपया कर अपना। इतनी अमोलक चीज, उसने इसको कैसे डिस्क्राइब किया, आप सोचो, कबीर बहुत समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने इसको डिस्क्राइब कैसे किया कि अचरज देख्या भारी साधो, अचरज देख्या भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा शिवकारी रे, अंधा पुरुष
चढ़ेबिन सीडी ऊपर लंगड़ा यानी कि पंगु पुरुष चढ़ेबिन सीडी पीवे भर भर जारी रही अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी रही। मतलब कबीर ने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि इतना अचरज था जब मैं उस ध्यान अवस्था में था कि अमृत बरस रहा है पूरी एक नदी की तरह और मैं उसको मतलब प्याले भर भर पी रहा हूँ उसका पूरा लुत्फ उठा रहा हूँ। ऐसी स्थिति कबीर ने उसको बताया जब ध्यान की अवस्था में होते हैं सचमुच में वो इतनी फुलफिल्डनेस की स्थिति होती है वो एक अमेजिंग स्थिति होती है उसको हम बता नहीं सकते बयान नहीं कर सकते। अपने ध्यान के एहसास को ऐसा ही स्थिति हो जाती है जैसे कोई गूंगे का गुड़ यानी कि कोई गूंगा व्यक्ति उसको कुछ बताना नहीं आता उसने गुड़ खा लिया करके ऐसे ऐसे करके वो मजे का एहसास करा देगा लोगों को लेकिन रियलिटी तो उसके पास है। तो ये बहुत ही पर्सनल वेंचर है इतना पर्सनल किसका एहसास आप ही को होगा आप ही सेटिस्फाई होंगे बट इसके लिए आपकी स्थिति बहुत सुंदर है। मुझे ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने जो अपने अंदर पाया किसी को समझ आया कि नहीं आया उसको छोड़ दें और जो जो खुशी जो 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 कुछ हमने हासिल किया उससे हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हुई समय रहते ही हमने उस चीज़ को समझा। और कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि अभी तो एंजॉय करूं जब आएगा टाइम तब ये सब चीज़ें समझेंगे अभी टाइम नहीं आया। जैसे कई घरों में हम परिवारों में हम देखते हैं अगर उनका बच्चा स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ध्यान या मन लगाने लगे तो बोलते हैं कि अभी इसकी उम्र कहाँ है ये सब करने की। तो मैं सच में ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि उम्र नहीं होती ये अंदर से आई हुई एक गाइडेंस होती है जिसका उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। और जितनी जल्दी जो भी सोल उस चीज को समझ जाती है उसकी जर्नी उतनी ही खूबसूरत तरीके से वो डीकोड कर पाता है उतना अच्छा वो जी के जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि ये तो काम तब करेंगे जब थोड़ा आ जाएगी उम्र बिल्कुल ऐसा तो नहीं कर सकते आपको तो पता ही नहीं। और जब मैंने ऐसे भी कई लोग देखे जो जैसे उम्र का जब वो वाला पड़ाव आया कि अब भगवान में ध्यान लगाना है उस समय कोई रोग ऐसा लगा कि कुछ करने लायक ही नहीं रहे वही मैं जो बोल रहा था कि भी यंग हाँ कुछ बोलने लायक भी नहीं रहे। तो उम्र का कुछ इसमें कुछ नहीं है जब जागे तभी सवेरा। देखो ध्यान लगाने के लिए भी शक्तियाँ चाहिए वो शक्तियाँ एक युवा के पास है। और एक बार ना मैं एक मिस्टर भीम रावत इंटरनेशनल स्पीकर हैं उनको भी बहुत सुनता हूँ उन्होंने बताया था कि युवा जो बच्चे हैं उनके लिए आनंद क्या है। वो कहते हैं कि डिस्को जाना घूमना ड्रिंक करना ये सब डिस्को है लेकिन उसके करने के बाद क्या जब वो सुबह एक हैंगओवर में रहते हैं रियली में डिस्को अपने अंदर है जब हम उस अमृत को पीते हैं। अमृत का नाम सुना होगा आपने मतलब आज तक बहुत पुराने उसमें वेदों में भी हम सुनते हैं अमृत लेकिन मनुष्य अमृत जैसी कोई चीज बना ही नहीं पाया आज तक। ये अमृत मनुष्य के अंदर है जब पहली बार हम ध्यान करते हैं तो तब भी पता चलता है कि अमृत है क्या चीज उसका टेस्ट इतना अलग है तो वो आपके लिए ड्रिंक बन सकता है। और फिर वो लाइटनिंग होती है डिस्को में जब आप ध्यान करते हो पहली बार आपको एहसास होता है उस प्रकाश का जिसमें कबीर ने कहा था कि हजार सूर्य भी मिलके ऐसा प्रकाश करे तो भी इतना प्रकाश नहीं जितना मेरे अंदर है तो वो आपकी डिस्को की लाइटें हैं। और आप जब अंदर नाचते हो तो आपका डांस है सचमुच में प्रेम राव जी इसको इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि आपके अंदर डिस्को है। आपने वहाँ डुबकी लगाई कभी आपने कभी एंजॉय किया एक बार वहाँ एंजॉय करके भी तो जरूरी है ना। और मैं तो बार बार यही कोशिश करता हूँ कि युवा अवस्था में कुछ करें ना करें लेकिन ध्यान जरूर करें जरूर करें। और नेचुरल में उसकी भी कोई ना कोई प्रतिभा जो उसके अंदर है सबके अंदर होती है मेडिटेशन से वो निकल के आएगी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि हमारा जो पोटेंशियल है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है पर हम जो रेगुलर लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ को जीते जीते चाहे वो हमारा रोजगार हो या हम ऐसे में उलझ गए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हमें दूसरी तरफ ले जाती है लेकिन अंदर से कुछ और प्रतिभा है जो निकल के बाहर आना चाहती है लेकिन उस प्रतिभा को थोड़ा थोड़ा वो नॉक नॉक करती है बेचारी पर हम कहते हैं अभी जा मैं पहले ये जो मेरी
रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो घर की हैं, परिवार की हैं, जिंदगी चलाने की हैं, पहले मैं वो सब कर लूं, इनको फिर कभी फुर्सत पे देखेंगे। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो जो बैलेंस क्रिएट होता है ना, आप यकीन मानिए कि वो प्रतिभा के लिए वक्त निकल आता है, वो अपने आप बाहर आने लग जाती है। और जब वो बाहर आती है तो लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो डॉक्टर था लेकिन ये तो कुछ और ही बन गया, इसकी लाइन चेंज हो गई। या कोई भी हो, कोई भी इंसान, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जिन्होंने पढ़ाई की और वो कुछ और ही एरिया में टॉपर्स थे, लेकिन एक्चुअली में जब वो किसी और फील्ड में गए जो फील्ड सोच ही नहीं सकते थे, उसमें वो बहुत ही अलग तरीके से सामने आए और एस्टैब्लिश हुए बहुत बहुत दूर तक नाम कमाते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक होती है हमारी डिफॉल्ट सेटिंग्स और एक होती है जो हम बन रहे होते हैं, तो हमें हमारे अंदर जो जो एक्चुअली में वो पैशन वाली डिफॉल्ट सेटिंग्स है ना, उनके साथ कनेक्ट हो जाता है जब हम खुद को सुनते हैं। और उसका एक माध्यम जो है वो मेडिटेशन है। और एक सर एक सवाल और योगी जी मेरे अंदर आ रहा है, वो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है और चक्रास के ऊपर ध्यान लगाने की हम बात करते हैं तो ऐसा म्यूजिक आते हैं, कई तरीके की म्यूजिक आते हैं, जो जो ध्वनियां हैं जो हमारे एक एक चक्र के साथ हमको कनेक्ट करती चली जाती है। मैंने अपनी खुद की लाइफ में इस चीज को महसूस किया कि वो चक्रास के साथ हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में अनफोल्ड कर पाते हैं, वो एक्चुअली में खुलता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस चीज के लिए कि आप हमारे लिसनर्स को अच्छे से और अच्छे से गाइड कीजिए कि चक्रास के बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़े, जिनको सही नहीं जानकारी है वो थोड़ा अच्छे से जान पाए। वैसे तो ये विषय इतना ज्यादा विस्तृत बड़ा है कि इस पे एकदम इतने कम शब्दों में नहीं हम बात कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। जब आपने पहली बार चक्रा शब्द का यूज किया ना, तो एकदम रीढ़ की हड्डी में मेरे इतना कंपन आया और सहस्रार तक आया और इस वर्ड से ही इतना प्रेम है मुझे। आदमी को हम लगता है जैसे मैं ये फिजिकल जो मुझे देख रहा है, मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये मैं, लेकिन रियली में ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं जो इसके अंदर रहता हूं। जो मैं इसके अंदर रहता हूं और जो ये दिख रहा है फिजिकल बॉडी और जो हमारा अंदर की जो इनविजिबल बॉडी जो जिसे मैं बात कर रहा हूं, जो मैं फील करता हूं, जो मैं महसूस करता हूं, उन दोनों के बीच में 7 ऐसे जगह हैं सेंसिटिव जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे हर चक्कर के बारे में ना अलग अलग एहसास है, जैसे कि हमारा प्रेम का एहसास है, गुस्से का एहसास, हम हमारे अंदर एक एहसास और भी है कि हम पूरी दुनिया पे राज करें, जो कि मतलब हिटलर के अंदर एहसास था। एक ऐसा एहसास है जो कि बुद्ध के अंदर हुआ था कि पूरी दुनिया के लिए मैं प्रेम बिछा दूँ, पूरी दुनिया के लिए कुछ कर पाऊँ, या किसी मतलब माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम है। तो ये जितने भी भाव हैं, पैसे के प्रति जो हमारा लगाव है, पद के प्रति जो हमारा लगाव है, यानी कि हम चीज़ों को कैसे किस तरीके से जो अट्रैक्शन है ना बीच में, वो अट्रैक्शन हर एक केंद्र बिंदु से रिलेट करता है। हमारे जो 7 चक्र बोलते हैं, पहले जो 3 चक्र हैं वहां तक तो कोई भी व्यक्ति साधारण आ सकता है, क्योंकि पहले जो 3 चक्र हैं वो बहुत ही नॉर्मल है। नॉर्मल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां तक हर आदमी रह सकता है, क्योंकि जुड़े हुए हाँ, जितने भी काम हम संसार में करते हैं इन सबसे वो कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन जो ऊपर के 3 चक्र वो इतने जबरदस्त हैं, उनकी फील ही इतनी डिवाइन है कि वो ध्यान के अलावा उस तक पहुंच पाना मेरे लिए, मुझे तो लगता है संभव है। क्योंकि मैं भी समझता हूँ इस बात को कि मैं बहुत समझदार मानता था खुद को, मुझे लगता था कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे को सब कुछ पता है। लेकिन जब मैंने ध्यान किया और रियली में जब वो शक्तियाँ नाभि चक्र से ऊपर की ओर मुझे एहसास होने शुरू हुए, ध्यान क्या कराता है, ध्यान आपको आपके शरीर के बारे में नॉलेज कराता है। और पहला जो नॉलेज होता है, फर्स्ट जो चक्र है जिसपे हम पूरी दुनिया पागलों की तरह रहती है, जो हमारा सेक्स सेंटर जिसको बोलते हैं, उसी के इर्द गिर्द का फर्स्ट चक्र है, वहाँ से एंट्री करता है। कोई भी साधक जब भी ध्यान में बैठता है तो पहला उसका इंट्रैक्शन मूलाधार से होता है और वहीं पूरी दुनिया उसके साथ कनेक्ट है, तो इसलिए वो वहाँ से उलझ पुलझ हो जाता है, वहीं पर रह जाता है, ज़्यादा कुछ वो समझ नहीं पाता। लेकिन ध्यान एक ऐसी अवस्था है जब आप चक्र मेडिटेशन करते हो,
हर चक्र के साथ हर चक्र बैलेंस होने लगता है आपका, और ऊर्जाएं हर चक्र पे धीरे 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 लोरे मारने लगती है। आपको सातों चक्रों का धीरे धीरे एहसास होना शुरू होता है। पहली बार आपको लगता है कि एक मजा ऐसा भी है जो बगैर किसी कारण आता है। हमें लगता है हमें कुछ करने से मजा आता है, जैसे कोई भाई ड्रिंक करता है तब मजा आता है, कोई किसी को थप्पड़ मारता है तब मजा आता है, कोई खाना खाता है तब भूख का मजा लेता है। हमें मजे के लिए कहीं बाहर से चीजें लेके आनी पड़ रही है। कोई ऐसा भी मजा जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्टार्ट हो जाए, तो वो जो एहसास है वो ध्यान के बाद जब आपकी शक्तियां चक्र पर घूमने लगती है तब आपको वो पता चलती है। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी अभी 3 एपिसोड हम बनाएंगे चक्र के ऊपर, और एक एक चक्र के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि चक्र हमें वो प्लेस है, वो सेंसिटिव प्लेस है जो हर ह्यूमन बॉडी में है, और उन्हीं को अगर वो समझ ले तो शायद अपनी पूरी लाइफ को वो समझ सकता है, और इनसे वो अपना होने वाले जीवन में, मतलब कुछ भी अगर उसकी लाइफ में होने वाला है, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है, उसका भी उसको एहसास हो सकता है। चक्र की पावर है, और प्रेजेंट जीवन को तो आनंददायक करेगा। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि दोबारा एक बार हम डिटेल सेशन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और चलते चलते आखिरी में मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि ध्यान बिंदु के बारे में कई बार अलग अलग जो हमारे ज्ञानी लोग हैं वो बात करते हैं, तो ध्यान बिंदु को कोई कैसे खोजे, अगर आप थोड़ा सा हमें इस बारे में गाइड करें, और हमारे नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट डिस्कशंस में हम और डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। गुड। अभी कुछ देर पहले ना हमारी एक बात हुई थी कि हम जब निराकार को समझने के लिए चलते हैं तो हमें कुछ आकार बनाने पड़ते हैं, तो इसी तरीके से ध्यान भी एक निराकार ऐसी विस्तृत शक्ति है जिसको एक रूप में नहीं देख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी, कोई तो ऐसा बिंदु लेके चलना पड़ेगा जिस पे हम स्टार्ट करके उस निराकार को समझ सकें। तो इसके लिए जब भी हम ध्यान करें, बिल्कुल बुद्ध ने तो इसको ये बोला है कि अध खुली आंखें, न ज्यादा आंखें बाहर खुली है पूरी, न पूरी बंद है, और नासिका का जो अग्रभाग है उसको ध्यान से देखते रहें। जब भी आप ध्यान अवस्था में बैठे अध खुली आंखें और नासिका के अग्रभाग को देखें, जो अपना नुकीला हिस्सा है, इसकी ओर ध्यान दें, इसको देखते रहें देखते रहें। अभी स्टार्टिंग से यही प्रैक्टिस शुरू है, इसी से शुरू करते हैं, धीरे धीरे फिर दोनों आंखें एक क्रॉस बना देती हैं। जब हम नासिका का अग्रभाग देखेंगे ना तो दोनों आंखें एक क्रॉस बना देंगी, और जहां पे एक क्रॉस होगा ना वहीं पे आपका आज्ञा चक्र आ जाता है जो आंखों के बीच का स्थान है। अच्छा। और जब इस पे प्रेशर पड़ता है आपको एक अलग सा प्रेशर प्लस आनंद का एहसास होता है, वहीं से शुरुआत होती है जब चेतना दूसरे द्वार पर पहुंचती है, फिर आप उसको ध्यान करिए या निर्मल स्थिति, उसके बाद फिर आपके एहसास बिल्कुल डिफरेंट है। बट स्टार्टिंग का जो आपने जैसे मुझसे क्वेश्चन किया है, ध्यान बिंदु हम दोनों आंखों के बीच के स्थान को ही मान के चलेंगे, लेकिन दोनों आंखों के बीच के स्थान पर एकदम जाना इतना पॉसिबल नहीं है, तो हम नासिका के अग्रभाग से, हम बुद्ध की विधि उठाते हैं, बुद्ध ने बोला था कि आप नासिका के अग्रभाग को देखें अध खुली आंखों से, तो आपको एक क्रोश बन जाएगा जो क्रोश आपके आज्ञा चक्र पे होगा, इनके दोनों आंखों के बीच के स्थान पर, और वहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी, वहीं से फिर हर एक चक्र पे ऊर्जा फैलते फैलते आप उस एहसास में डूबेंगे, और वो इतनी आनंददायक यात्रा होने वाली है फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वही बात कि स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने में एक आनंद आना शुरू होता है, कई अनुभूतियां जो हम ले रहे होते हैं उस यात्रा पे, कुछ हम किसी को समझा पा रहे होते हैं, कुछ नहीं समझा पा रहे होते हैं, और जिज्ञासा जो है वो और की तरफ, और पाने की तरफ, और जानने की तरफ बढ़ती है। एक मैं छोटी सी बात और मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, श्रोताओं के लिए बता दूं, बहुत से लोगों से मैं मिला हूं, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो ध्यानी लोग होते हैं वो कुछ इस तरीके की बात करते हैं, पर रियली मैम जब मैं पहली बार आपसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि आपके, मतलब आप एक रियली में एक बहुत ही संन्यस्त या ध्यानस्थ कोई पर्सन है, बट आपने जैसे बताया कि ऐसा कुछ मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं किया है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को, हर व्यक्ति ध्यानस्थ है, यानी कि कबीर ने कहा था ना, घट घट मोरा साइया सुनी सेजना कोए, बलिहारी उस घट की जिस घट पर घट हुए, तो सबके अंदर वो चीज़ मौजूद है,
बट उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो आपसे मिलकर मुझे रियली में एक ऐसा एहसास होता है कि मतलब इस बारे में ना जानते हुए भी व्यक्ति उस अवस्था में रह सकता है। इसके बारे में और भी आगे फिर हम इस करेक्टर इस जो स्थिति में आप हैं इसके बारे में धीरे धीरे आगे चर्चाओं में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कब आता है। थैंक यू। आज के सेशन में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमें सुन रहे हैं उनको भी उनके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला होगा, जो कहीं ना कहीं खोज रहे होंगे और उनको अपनी यात्रा पे आगे बढ़ने के लिए उसमें बहुत मदद होगी। थैंक यू सो मच।